सब्सक्राइब कीजिए आरएस एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सएप। हमारे पिछले वीडियो में हमने भारत के बैंकिंग इतिहास के बारे में बात की थी। अब हम बैंकों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला जो कार्य है वो चेक वर्गीकरण का कार्य है। चेक उसमें क्लियरेंस का कार्य बहुत ज्यादा बैंक में होता है। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं चेक के बारे में आपको बताऊंगा, चेक के कितने प्रकार हैं, किस तरह के चेक में क्या सीमाएं हैं, किस तरह के चेक को कब उपयोग किया जाता है। बैंकिंग एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि कुछ चेक का नाम दे दिया जाता है, उसके जो ऑप्शन है उसमें दे दिया जाता है कि इस चेक का क्या मतलब है। तो जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि नॉर्मल जो सैलरीड या जो स्टूडेंट वर्ग का जो व्यक्ति है उसके पास एक नॉर्मल चेकबुक होती है, उसको पता है कि इस चेकबुक की क्या सीमा, इस चेकबुक को हम कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन बैंकिंग में कई तरह के चेक प्रयोग में आ रहे हैं, तो उसके बारे में आज का मेरा वीडियो रहेगा। तो अगर मैं जिसे हम कहेंगे प्लेस या स्थान के आधार पर वर्गीकरण करता हूँ, तो जो पहला वर्गीकरण है, पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है लोकल चेक, उसे हिंदी में स्थानीय चेक कहेंगे। ये जो चेक रहता है इसमें ये जिस शहर के लिए ये चेक जारी किया जाता है, जैसे ये भोपाल शहर के लिए जारी किया गया है, तो इस पे आप भोपाल शहर की उस बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर इस चेक को आप यूज कर सकते हैं। इसके इतर अगर आपने वो शहर छोड़ा और उस चेक को आपने किसी और शहर में चेक की ब्रांच में आपने लगाने की कोशिश की या चलाने और क्लियर करने की कोशिश की, तो वो चेक मान्य नहीं होगा। तो जो लोकल चेक होते हैं वो उसी शहर के लिए मान्य होते हैं। दूसरा जो चेक का वर्गीकरण है वो है आउट स्टेशन चेक। इसमें ये इस बात की फिजिबिलिटी हो जाती है कि इस चेक को आप पूरे देश में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी शहर की अपनी जो संबंधित आपकी बैंक की जो ब्रांच है उसमें आप यूज कर सकते हैं, और इस पे बैंक कुछ फिक्स चार्जेस लेती है इसको क्लियर करने के लिए। तीसरा जो है उसको कहते हैं एट पार चेक। एट पार चेक ऐसा होता है जो बैंक जो चेक रहेगा ये पूरे देश की उस बैंक की किसी भी तरह की शाखा पे ये जो चेक है वो स्वीकार होता है। और साथ में इसमें अच्छी बात ये होती है कि इसको आप अगर जब क्लियर कराते हैं चेक को, तो आपके खाते से किसी भी तरह का फिक्स चार्ज या क्लियरिंग चार्जेस नहीं काटा जाता है। तो बेसिक अंतर आउट स्टेशन चेक और एट पार चेक में यही है कि आउट स्टेशन चेक में क्लियर तो हो जाता है देश में कहीं भी किसी भी शहर में, लेकिन उसमें फिक्स चार्जेस लगता है, और जो एट पार चेक होता है उसमें किसी भी तरह का उपभोक्ता को शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है। उसके बाद तो जो अगला क्लासिफिकेशन मैं चेक का करना चाहूंगा वो है वैल्यू के आधार पे, मूल्यों के आधार पर, उसकी रकम के आधार पे। तो जो नॉर्मल वैल्यू जो चेक हैं आपके, जो साधारण मूल्य के जो चेक हैं, वो उनकी जो अधिकतम सीमा होती है वो 1,00,000 रुपए होती है। मतलब अगर आपने उस चेक पे 1,00,000 से अधिक की रकम रख के उसको प्रेजेंट किया ब्रांच में, तो वो चेक मान्य नहीं होगा। नॉर्मल वैल्यू चेक अगर आपके पास है तो उसमें आप अधिकतम 1,00,000 रुपए लिख सकते हैं या किसी को दे सकते हैं या निकाल सकते हैं। दूसरा जो चेक है उसे हम हाई वैल्यू चेक कहेंगे, उच्च मूल्यों वाले चेक। उसमें आप 1,00,000 से ऊपर उसकी सीमा रहती है, आप जितना भी चाहें, मतलब वो आपकी जो बैंक की लिमिट रहती है, आपका जिस तरह का खाता है, जिस तरह का आपने बैंक में अपना जो वित्तीय जो स्टैंडर्ड है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उस हिसाब से वो चेक रिलीज किया जाता है कि आप 10,00,000 रुपए तक के लिए आपको अलॉट किया है कि 50,00,000 रुपए तक की आपकी चेकबुक की सीमा है। तो आपको जो भी रहता है उसके नीचे चेकबुक में नीचे साइड लिखा रहता है कि अप टू 10,00,000, अप टू 50,00,000, अप टू 1,00,000। तो वो जो चेक होते हैं वो उच्च मूल्य के चेक कहलाते हैं, और आप जितनी भी उसकी सीमा है वहां तक का चेक आप उसको काट के क्लियरिंग में लगा सकते हैं। तीसरा जो चेक है उसे हम गिफ्ट चेक कहेंगे, उपहार चेक कहते हैं। इस चेक का उपयोग हम अपने प्रियजनों को उपहार के रूप में देने के लिए, भेंट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस चेक की जो सीमा है वो न्यूनतम सीमा 100 रुपए है और अधिकतम सीमा 10,000 रुपए है। आप 100 से 10,000 रुपए तक के बीच में इस चेक में कोई भी राशि लिख के अपने प्रियजनों को या सगे संबंधियों को गिफ्ट कर सकते हैं। इसका नाम ही गिफ्ट चेक है, ये स्पेशल चेक बुक आती है गिफ्ट चेक की। आप इसका उपयोग 100 रुपए से 10,000 रुपए तक की किसी भी राशि का उपयोग को क्लियर कराने के लिए या देने के लिए कर सकते हैं। तो ये हुआ मूल्यों के आधार पर चेक का वर्गीकरण, 3 तरह के बताए मैंने, जिसको नॉर्मल वैल्यू, हाई वैल्यू और गिफ्ट चेक। अब बात करते हैं नॉर्मल चेक को। अगर मैं मतलब साधारण रूप से अगर चेक का वर्गीकरण करता हूँ,
तो उसमें सबसे पहला जो चेक है वो है खुला चेक, ओपन चेक। खुला चेक का अर्थ ये होता है कि इसको आप ले जाकर अपनी बैंक की शाखा में काउंटर पर अगर प्रस्तुत करते हैं तो आपको तुरंत नकद दे दिया जाता है उसके बदले में, और आपको किसी भी तरह की इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, ना उस चेक को आपको अपने खाते में लगाने की आवश्यकता होती है। इसका जो बेसिक जो सिद्धांत है वो है गिव एंड टेक, आपने चेक दिया, आपने नकद लिया। तो ओपन चेक की ये धारणा है कि इसको काउंटर में जाएं, दिखाएं और चेक को वेरीफाई करके वो आपको नकद दे देगा। और या तो आप चाहें तो इसमें आप ना जाके किसी और दूसरे व्यक्ति को भी ऑथोराइज से प्राधिकृत कर सकते हैं, वो जाके आपके बदले वहां से पैसा निकाल सकता है, ले सकता है। तो और बस ध्यान ये रखना होगा कि इस चेक को जब भी लगाया जाए तो काउंटर में इस चेक के पीछे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। बिना हस्ताक्षर के ये चेक से नकद आप आहरण नहीं कर सकते। और दूसरा जो चेक है उसे हम कहते हैं बियरर चेक। बियरर चेक वो चेक होता है जो खाता धारी या जो अकाउंट होल्डर है वो स्वयं बैंक ना जाके अपने किसी प्रतिनिधि को बैंक को खींच कर भेजता है, और वो प्रतिनिधि जाकर काउंटर में उस चेक को बना लेता है। उसको मतलब उस चेक के एवज में वो पैसे उस संबंधित व्यक्ति की अकाउंट से निकाल सकता है, आहरण कर सकता है। और साथ में इसमें जो जिसका चेक है उसको चेक के पीछे साइन करने की आवश्यकता नहीं होती, चेक के पहले पेज में ही उसने मतलब सामने वाले पृष्ठ में उसका साइन ही सर्वमान्य होता है। और साथ में इसमें ये सुविधा होती है कि आपने जैसे काउंटर में अपना चेक प्रेजेंट किया वैसे काउंटर वाला आपको उसके बदले पे जो राशि उस चेक पे लिखी है उसका वो नकद आहरण कर दे देता है। बस शर्त ये है कि आपके खाते में उतने रुपए या उतनी राशि होनी चाहिए। और लेकिन ये चेक थोड़ा रिस्की इसलिए है कि इसमें जब पीछे साइन करने की आवश्यकता नहीं होती तो इन केस कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति द्वारा किसी संबंधित व्यक्ति को चेक दिया गया लेकिन गलती से अगर उसके पास से वो चेक गिर गया या मिस हो गया तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करने की संभावना रहती है। तो इसे एक तरह का रिस्क चेक भी कहते हैं, और इसका नाम जो मैंने आपको बताया इसको बियरर चेक कहा जाता है। तीसरा जो चेक का प्रकार है उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक में होता ये है कि ये जो चेक है इस पे आप नकद निकासी नहीं कर सकते हैं, इस चेक को आप अपने खाते में लगा के, मतलब आपने किसी से चेक प्राप्त किया और वो चेक क्रॉस चेक है तो आप उसको अपने खाते पे लगा के ही पैसा आपके खाते में आएगा, आप इस पर किसी भी तरह की नकद निकासी नहीं कर सकते हैं। इस चेक को किसी भी सामान्य चेक को क्रॉस चेक बनाने के लिए हमें उसकी बाईं और टॉप साइड में दो पैरेलल लाइंस खींचनी पड़ती है। अगर साधारण रूप से हम दो लाइन खींच देंगे तो भी अकाउंट चेक माना जाएगा, और साथ ही साथ दो लाइन खींच के अगर हम उसमें हम CO लिख दें या फिर एंड CO लिख दें या फिर अकाउंट पे ही लिख दें या नॉन नेगोशिएबल लिख दें, ये सब चीजें लिखकर हम किसी भी साधारण चेक को क्रॉस चेक बना सकते हैं। और इसमें जिस व्यक्ति के नाम पे चेक जारी किया गया उसके खाते में ही ये पैसा जाएगा और व्यक्ति उस पर नकद निकासी नहीं कर सकता। ये क्रॉस चेक की कुछ सीमाएं हैं। अगला जो चेक का प्रकार है उसे हम आदेश चेक या ऑर्डर चेक कहते हैं। इसमें इस चेक में बियरर चेक जो बियरर जो शब्द लिखा रहता है, जैसा कि बियरर चेक में लिखा रहता है उस शब्द को इसमें काट दिया जाता है और उसके स्थान पे ऑर्डर लिख दिया जाता है कि ये जो बियरर चेक ना होके ऑर्डर चेक है। और इससे ये भी एक तरह का खुला चेक है और इस पे आप जाके इसके पीछे अपने हस्ताक्षर करके इस चेक से पैसा निकाल सकते हैं, या तो इस चेक को तुरंत काउंटर में जाके अपने खाते में इस चेक का पैसा जो है वो अपने खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और साथ ही साथ में ऑर्डर जो चेक है वो जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है वो स्वयं भी जाके काम कर सकता है, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर बैंक की शाखा में ही अपना जो नगद वो आहरण या जो राशि का हस्तांतरण है और ट्रांसफर जो है वैल्यू का मनी का वो करवा सकता है। अब अगला जो वर्गीकरण है चेक का उसको मैं करना चाहूंगा गारंटी के आधार पे। गारंटी के आधार पे जो पहला जो चेक है उसे हम कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक या आगे की तारीख वाला चेक। इस चेक में जो चेक जारी करता है वो वर्तमान तारीख न जारी करके उससे आगे ही कोई तारीख जारी करता है, और साथ में ये चेक क्रॉस चेक होता है। इसमें दो लाइन उसने पहला लाइन और बाईं ओर खींची रहता है, और इसका अर्थ ये होता है कि चेक का भुगतान उस संबंधित तारीख में इस व्यक्ति को या उस तारीख के बाद इस व्यक्ति को किया जाए। और अभी जो वर्तमान में जो चेक की जो सीमा है वो 90 दिन है, पहले ये 180 दिन थी। तो जो तारीख पोस्टेड चेक में लिखी हुई है उस तारीख को इसका भुगतान किया जाएगा या उससे 3 महीने के भीतर इसका भुगतान किया जाएगा। तो पोस्टेड चेक में
जैसे मैंने किसी से ये चेक प्राप्त किया, तो आज अगर तारीख है 20 अगस्त, तो 20 अगस्त की ना देने के बजाय वो 21 लिख सकता है, 22 या 25 अगस्त लिख सकता है। तो मैं 25 अगस्त अगर लिखता है तो 25 अगस्त से पहले बैंक में जब जाऊंगा उस चेक को लेकर, तो उस चेक का कोई मूल्य नहीं रहेगा। 25 अगस्त की तारीख में जाऊंगा तो वो चेक मेरे खाते में लग जाएगा, या 25 अगस्त के बाद जाता हूँ, लेकिन ध्यान रहिए रखिएगा कि 90 दिन के भीतर मुझे जाना है उस बैंक में, तो उस चेक को वो चेक काम में आ जाएगा। तो इसलिए इसको कहा गया है आगे की तारीख वाला चेक या पोस्ट डेटेड चेक। इसी को उल्टा कर देते हैं एंटी डेटेड चेक या पीछे की तारीख वाला चेक। इसमें जो चेक प्रस्तुत किया जाता है वो वर्तमान तारीख से पहले की तारीख का होता है, या वो तारीख कुछ भी हो सकती है। अगर आज तारीख 20 तारीख का, तो ये चेक 10 अगस्त का हो सकता है, या 15 अगस्त का हो सकता है, 5 अगस्त का हो सकता है, लेकिन बस शर्त ये है कि 90 दिन के भीतर इस चेक को हम बैंक की शाखा में प्रस्तुत करते हैं तो ये चेक क्लियर हो जाता है। उसके बाद जो अगला वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण कहूंगा मैं, मतलब भुगतान के गारंटी के आधार पर जो अगला जो चेक है उसको हम सेल्फ चेक कहते हैं। उस चेक में ये होता है कि जहाँ पे का मतलब भुगतान करने वाले का नाम हमें लिखना होता है, वहां पे हम नाम ना लिख के सेल्फ लिख देते हैं, जिससे जिस व्यक्ति का वो चेक है, जिसकी वो शाखा है, मतलब जिसका वो अकाउंट है उस ब्रांच में, व्यक्ति स्वयं जाके अपने द्वारा वो नगद हस्तांतरण उसका कर लेता है। और या फिर व्यक्ति जिस व्यक्ति जैसे मेरा खाता बैंक में है, तो मैं मुझे अगर मिस्टर ए को पैसे देने, तो मैं मिस्टर ए का नाम लिखकर पीछे सेल्फ चेक लिख के भेज सकता हूँ, तो व्यक्ति को भुगतान तुरंत हो जाएगा। इसके बाद जो चेक है उसे हम स्टेल चेक कहते हैं, कालबाधित चेक कहते हैं। इस चेक में उसमें जो डेट डली रहती है, अंकित तिथि रहती है, उसके अंदर 3 महीने के भीतर उस चेक को क्लियर करवाना कंपलसरी हो जाता है, और इसके बाद इस चेक को बैंक में स्वीकार नहीं किया जाता, इसको हिंदी में हम कालबाधित चेक कहते हैं। तो ये हुआ वर्तमान में किसी भी तरह के बैंक हो, चाहे वो सरकारी हो, केंद्रीय हो, राज्य का बैंक हो, या फिर प्राइवेट बैंक हो, या फॉरेन बैंक हो, सब में इसी तरह के ये जो चेक के मैंने वर्गीकरण आपको बताएं, इनसे अलग किसी और तरह का चेक उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसी तरह के चेक का उपयोग किया जा रहा है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में या एग्जाम में कभी किसी ने पूछा कि बैंक में कितने प्रकार के चेक यूज होते हैं, या चेक क्या होता है, या फिर चेक में कैसे आप अंतर बताएंगे, बियरर चेक कौन सा है, ऑर्डर चेक कौन सा है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की थोड़ी कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो बैंकिंग के ऊपर रहेगा, बैंकिंग से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो मेरा वीडियो है, इस तरह के अलग अलग सीरीज में आपको बैंकिंग के वीडियो मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।